हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कुमार्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकाउंटिंग लेक्चर फिफ्थ, जिसमें हम बात कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। इस लेक्चर में हम आपको आज एसेट्स के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे कि एसेट्स क्या हैं और वह कितनी प्रकार की होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ध्यान से सुनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एसेट्स, एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस विच आर ओन्ड बाय द बिजनेस एंड विच जनरेट्स द बेनिफिट इन फ्यूचर। देखिए, अब मैंने आपको इसके मीनिंग में क्या बताया। एसेट्स जो हैं, वो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं। यहां पर आपने इस बात को ध्यान रखना है, पहले नंबर पर इकोनॉमिक रिसोर्सेस वर्ड मैंने यूज किया। यहां पर रिसोर्सेस मतलब हमारे साधन है। कौन से साधन है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का यहां पर क्या मीनिंग है? जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है, जिनसे हमें बेनिफिट मिलना है, जिनको हम कल को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेस। एसेट्स हमारी क्या होंगी? इकोनॉमिक रिसोर्सेस, आर्थिक साधन। विच आर ओन्ड बाय बिजनेस, जो किसके पास है? बिजनेस के पास। मतलब बिजनेस ने उन्हें ऑक्यूपाई किया है, बिजनेस ने उन्हें परचेज किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये क्या है? यहां पर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि बिजनेस के लिए एसेट्स क्या होंगी? इकोनॉमिक रिसोर्स है, जो क्या करते हैं? विच जनरेट्स बेनिफिट इन फ्यूचर, जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है और अभी भी मिल रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एसेट्स। दोस्तों, अब आपको एक शॉर्टकट एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। हम डेली लाइफ में कितनी चीजें अपने पास रखते हैं? देखिए, आपके पास, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है। तो मोबाइल क्या है? हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति। तो उसे हम एसेट कहते हैं। इसी तरीके से हमारे घर में अक्सर टेलीविजन होता है। तो ये टेलीविजन क्या है हमारे लिए? एसेट, प्रॉपर्टी। हम जहां पर रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, वो हमारी क्या है? प्रॉपर्टी। तो उसे भी हम एसेट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह मीनिंग समझ में आया होगा कि एसेट को हम प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब ये हमारी संपत्ति की बात हो रही है। तो इसे मीनिंग में मैंने थोड़ा सा आपको डिफाइन करके बता दिया कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते थे कि एसेट्स को हम इकोनॉमिक रिसोर्सेस या प्रॉपर्टी वर्ड देंगे, जो कि बिजनेस के पास है, जिससे बिजनेस को क्या मिलता है? बेनिफिट। उसके बाद एग्जाम्पल्स देखिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, और जो भी हम डेली लाइफ में बात करें, जिस चीज की मर्जी बात करें। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक आपकी क्या है? एसेट। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप आपकी क्या है? एसेट। कोई भी चीज जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेट। उसके बाद दोस्तों, हमने क्या ध्यान में रखना है कि एसेट्स कितनी प्रकार की होती हैं? तो बेसिकली हम एसेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स, नंबर 3 फिक्टिशियस एसेट्स। परंतु एज पर कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 3, एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज 2 कैटेगरीज, दैट इज करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक पहले मैं आपको बता दूं, बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में एसेट को डिवाइड करते हैं। परंतु अगर आप कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक डिवाइड करके दिखाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, तो आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, कौन कौन सी? करंट और नॉन करंट। फिलहाल मैं आपको सभी टॉपिक, फुल टॉपिक डिटेल में विद एग्जाम्पल्स समझाऊंगा। सो कंटिन्यू विद अस। इतना जो काम आपको बताया, ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेट की, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। तो चलते हैं फिक्स्ड एसेट्स के मीनिंग की ओर। फिक्स्ड एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, दैट इज मोर देन 1 ईयर। द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग दीज एसेट्स is to utilize them for the purpose of business and not for resale. देखिए स्टूडेंट्स,
यहां पर मीटिंग में मैंने आपको क्या बताना है कि फिक्स्ड एसेट्स वो प्रॉपर्टी है, वो संपत्ति है जिसे हम बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए यूज करते हैं। मतलब आपने टाइम पीरियड देखना है, अगर कोई एसेट आपके पास लॉन्ग रन के लिए है और उसे आप बिजनेस के पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसे हम फिक्स्ड एसेट कह सकते हैं। देखिए, इसके अलावा और कौन सी ऐसी बात है जो आपको क्लासिफाइंग करने में हेल्प करेगी कि यह फिक्स्ड एसेट है या नहीं, तो वो आपने बात कौन सी ध्यान में रखनी है, नॉट फॉर सेल। मतलब क्या है, देखिए यहां पर कि अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसे कुछ ही मंथ्स के बाद या कुछ ही डेज के बाद मैंने प्रॉफिट मोटिव के लिए सेल कर दिया तो वो फिक्स्ड एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने खरीदी किस लिए दी, कि मैं उसे कुछ टाइम के बाद प्रॉफिट होगा तो सेल कर दूंगा, तो वो लॉन्ग रन के लिए नहीं हुई, तो वो तो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, तो उसे हम फिक्स्ड एसेट नहीं कह सकेंगे दोस्तों। तो आपने क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो हम बिजनेस के पर्पस के लिए परचेज करते हैं और बिजनेस में हेल्ड करते हैं, ना कि रीसेल पर्पस के लिए। मतलब हमारा ये कभी भी सोच नहीं होती वहां पर कि हमने ये एसेट खरीद के सेल करनी है। देर आर एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं कि हम कभी वो एसेट सेल कर दें, जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी, मैंने कोई मशीनरी परचेज की थी, सपोज कीजिए, तो मशीनरी लॉन्ग रन के लिए खरीदी बिजनेस में, तो क्या हुआ आफ्टर 9 मंथ्स जब मैंने परचेज की, उसके 9 मंथ्स के बाद ही कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई, उससे क्वालिटी भी इंप्रूव होती थी, कॉस्ट भी कम आती थी, तो मैंने क्या किया, वो मशीन सेल करके कोई नई खरीद ली। तो यहां पर मेरा पर्पस नहीं था रीसेल का, वो तो कुछ फैक्टर ही ऐसा आ गया, कुछ सिचुएशन ही ऐसी आ गई कि मुझे सेल करनी पड़ी, तो वो मशीनरी फिक्स्ड एसेट मानी जाती है। परंतु आपने यह ध्यान में रखना कि बेसिक पर्पस क्या है। बेसिक पर्पस हमारा क्या था यहां पर उस मशीन का, कि हमने प्रोडक्शन में यूज करना है, मतलब बिजनेस के पर्पस के लिए यूज करना है। हमने यह सोचकर तो नहीं परचेज की थी कि हमने रीसेल करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर यह 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, एक तो लॉन्ग टर्म, एक नॉट फॉर सेल। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 साल से ज्यादा समय लॉन्ग टर्म कहलाता है। मतलब अगर आपके पास कोई भी एसेट मोर देन 1 ईयर है तो आप उसे फिक्स्ड एसेट कंसीडर कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए आपके पास बिल्डिंग है, तो आपने अगर कोई लैंड या कोई बिल्डिंग परचेज की तो ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोचकर कर रहे हैं, तो वो कौन सी एसेट मानी जाएगी, फिक्स्ड एसेट। इसके अलावा आपने कोई मशीनरी परचेज की, आपने कोई कंप्यूटर परचेज किया, कोई लैपटॉप परचेज किया, ये सब कौन सी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि हम इनका बिजनेस में उपयोग करते हैं, लंबे समय के लिए यूज करते हैं और हमारा मकसद यह नहीं होता कि इसे हमने रीसेल करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको फिक्स्ड एसेट का मीनिंग अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1 टेंजिबल, नंबर 2 इनटेंजिबल। अब फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर फिजिकल एग्जिस्टेंस का क्या मीनिंग है कि हम उस संपत्ति को देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो उसे हम फिक्स्ड टेंजिबल एसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप एटसेट्रा। देखिए यहां पर लैंड मतलब हमारे पास जमीन है, बिल्डिंग मतलब हमने एक प्रॉपर उस जमीन पर बिल्डिंग बनाई हुई है। देखिए लैंड अलग चीज है, बिल्डिंग अलग चीज है, और लैंड एंड बिल्डिंग अलग चीज होती है। अगर हम केली भूमि की बात करें तो उसे हम लैंड कह दिया, वो किसी भी पर्पस के लिए काम आ जाएगी, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, वहां पर स्कूल भी खोला जा सकता है, वहां पर फैक्ट्री भी चलाई जा सकती है। तो लैंड को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो इसे कौन सी एसेट कहेंगे, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल्स भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स इनटेंजिबल एसेट्स की ओर चलते हैं।
विच डू नॉट हैव फिजिकल रेजिस्टेंस, जिनकी फिजिकल रेजिस्टेंस नहीं होती। क्या मीनिंग, मतलब उस एसेट को हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, उसे हम फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट के नाम से जानेंगे। देखिए एग्जांपल क्या है, गुडविल, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लाइसेंस एटसेट्रा। तो गुडविल, गुडविल क्या है स्टूडेंट्स, देखिए एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं इंटेंजिबल के लिए भी। गुडविल क्या होता है, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन और इमेज, गुड नेम, हमारे बिजनेस का गुड नेम। ये कैसे बनती है, ये क्या चीज होती है, देखिए ये हमारी एक्चुअल में एक एसेट ही है। क्यों, क्योंकि अगर किसी बिजनेस का नाम चल रहा है, वो वेल रेप्यूटेड है, तो उसे प्रॉफिट अर्निंग में ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं दोस्तों, आप देखिए एक ही नेचर के दो बिजनेस चल रहे हैं एक ही प्लेस पे। सपोज मेन बाजार गली नंबर 5 में दो दुकानें हैं आमने सामने रेडीमेड गारमेंट्स की, और एक दुकान पिछले काफी समय से चल रही है और एक अभी अभी ओपन हुई है। तो जो कस्टमर्स है वो किस शॉप पर ज्यादा जा रहे होंगे, जो पहले से है। क्यों, क्योंकि उसने अपना नाम और फेम बनाया हुआ है, उसने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्ड की हुई है, जिसके कारण कस्टमर स्टार्टिंग में उसके पास ही ज्यादा आ रहे हैं, नए बिजनेस वाले के पास अभी नहीं इतने कस्टमर्स आ रहे। तो उसे क्या बेनिफिट मिला, किस चीज का बेनिफिट मिला, वो उसके नाम का बेनिफिट मिला, गुड नेम का बेनिफिट मिला, जिसे हम गुडविल कहते हैं स्टूडेंट्स। तो गुडविल क्या है, हमारी एसेट है, प्रॉपर्टी है, क्योंकि यह हमारे प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है, परंतु इसे ना हम देख सकते ना हम टच कर सकते। तो इंटेंजिबल एसेट्स में हम नॉर्मली किस चीज की बातें करते हैं, जो हमारे राइट्स होते हैं, जैसे कि कॉपीराइट भी हमारे पास राइट है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारे पास राइट्स हैं, जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना हम इन्हें टच कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स यहां तक आपको पहली कैटेगरी फिक्स्ड एसेट की डिटेल में मैंने आपको बता दी, आपको यहां तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड कैटेगरी करंट एसेट की ओर। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की करंट एसेट्स के बारे में। देखिए करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज फॉर 1 ईयर ओनली। तो आपको पता चल ही गया होगा कि करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस यूज करता है। तो शॉर्ट टर्म क्या है, नॉर्मली 1 ईयर। अगर कोई भी एसेट आपके पास अप टू 1 ईयर तक है तो उसे हम करंट एसेट कहेंगे। परंतु इन एसेट की एक फीचर और भी होती, वो क्या, ये एसेट्स को हम सेल भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक। स्टॉक क्या है, हमारे पास जो सामान पड़ा है उसे हमने क्या कह दिया, स्टॉक। और अब हमने वो सामान बनाकर रखा है किस लिए, क्योंकि हमने उसे क्या करना है, सेल। तो हर पर्सन क्या चाहेगा, हर बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि अधिक से अधिक क्या हो, सेल, और उसका स्टॉक इकट्ठा ना हो। स्टॉक इकट्ठा होगा तो उसे क्या होगा, नुकसान, इसलिए उसे हमने सेल करना होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पता चल गया होगा कि करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो बिजनेस के पास हैं सिर्फ शॉर्ट रन के लिए। शॉर्ट रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में मतलब 1 ईयर के अंदर अंदर वो सभी एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली इनकी सेकंड फीचर क्या है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए है, दूसरा क्या है, ये विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। जरूरी नहीं कि 1 ईयर का टाइम ही है, 3 मंथ्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, 2 मंथ्स भी में हो सकती है, 15 डेज में भी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमने तो जो टाइम पीरियड मैक्सिमम आपको बता दिया, अप टू 1 ईयर, 1 ईयर से आगे तक नहीं है ये, या हम ये कह सकते हैं बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल के विद इन। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, जब हमने पैसा लगाया बिजनेस में, कैश लगाया, मतलब हमने सामान खरीदा, अब वो सामान सेल होकर दोबारा कब कैश में कन्वर्ट होगा, तब तक वो ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मली 12 मंथ्स का ही होता है। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं शॉर्ट रन मतलब 1 ईयर के लिए। उसके बाद दोस्तों हम क्या बता सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट करंट एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर।
वही बात जो मैंने आपको बताई कि हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिनको हम वन ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन ईयर के अंदर अंदर, वन ईयर से कम टाइम भी हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दीस एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज, ये आपके लिए बहुत अच्छा और मेन पॉइंट है जो नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि करंट एसेट्स को हम फ्लोटिंग एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब इन्हें फ्लोटिंग एसेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी अपनी फॉर्म बदल लेती हैं। जैसे कि मेरे पास सामान पड़ा है स्टॉक, जिसे मैंने कह दिया वो मेरी करंट एसेट है। अब मैंने वो सामान को सेल कर दिया क्रेडिट बेसिस पर, उधार सेल कर दिया, तो वो अब स्टॉक किस में कन्वर्ट हो गया, डेटर्स में। और सपोज कीजिए डेटर्स कौन थे, जिनसे मैंने पैसा लेना है, उनसे मुझे पैसा मिल गया, तो अब डेटर्स किस में चेंज हो गए, कैश में। तो ऐसे ये क्या हो रहा है, बार बार अपनी फॉर्म चेंज करते हैं, मतलब इन एसेट्स में क्या एक फीचर हो रहा है कि इनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, तो इन्हें फ्लोटिंग एसेट्स कहा जाता है। एग्जांपल्स देखिए दोस्तों, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एटसेट्रा, ये सब करंट एसेट्स की एग्जांपल्स है जिन्हें हम ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश तो पहले ही कैश फॉर्म में है, बैंक ऑन द स्पॉट आप 5 मिनट में पैसे निकाल सकते हैं, आजकल तो 5 मिनट भी नहीं लगते, कुछ ही सेकंड्स में हम पैसे निकाल सकते हैं, ऑनलाइन मेथड्स यूज हो रहे हैं बैंकिंग वगैरह के, तो उस तरीके से हम पैसा निकाल सकते हैं ऑनलाइन। तो स्टॉक में दोस्तों टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 ईयर तक मैक्सिमम टाइम खा जाए स्टॉक पर, हमारी मर्जी नहीं चलती, कभी कभी स्टॉक 3 मंथ में भी सेल हो जाता है, कभी कभी 1 ईयर तक जाता है, पर 1 ईयर से दिख नहीं जाता। तो डेटर्स क्या है, डेटर्स जिनसे पैसे लेने हैं, तो ये भी हमारे पर डिपेंड करता है, हमारी स्किल्स पर डिपेंड करता है, हम कितनी जल्दी डेटर से पैसे कलेक्ट करते हैं, वो भी मैक्सिमम 1 ईयर तक हो सकते हैं, 1 ईयर से पहले पहले पैसे हमें मिल जाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म की एसेट्स है, इन्हें शॉर्ट टर्म में कैश में हम कन्वर्ट कर पाते हैं। अब चलते हैं थर्ड कैटेगरी, फिक्टिशियस एसेट्स। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, देखिए स्टूडेंट्स, फिक्टिशियस एसेट्स आर दोस एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। तो अब आप सोच रहे होंगे यही बात तो हमने इंटेंजिबल एसेट में रीड की थी कि उसकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती, तो क्या इंटेंजिबल और फिक्टिशियस सेम है? नहीं दोस्तों, इंटेंजिबल डिफरेंट टर्म है, फिक्टिशियस डिफरेंट है, इसका पूरा मीनिंग पढ़िए स्टूडेंट्स। नॉर हैव एनी रियल वैल्यू, मतलब ना तो इनकी फिजिकल फॉर्म और ना इनकी कोई रियल वैल्यू, इंटेंजिबल की सिर्फ फिजिकल फॉर्म नहीं थी परंतु उनकी वैल्यू थी, इनकी रियल वैल्यू नहीं, मतलब ये सिर्फ नाम की एसेट्स है, सिर्फ हमारी कल्पना की एसेट्स है, हमने एक तरीके से कल्पना की है यह हमारी संपत्ति है, परंतु रियल में यह कोई हमारी एसेट ही नहीं है। तो सच एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेबल टू कैश, इन एसेट्स का जब कोई मूल्य ही नहीं है, इनको हम कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो समझ गए होंगे ये सिर्फ नाम की एसेट्स हैं, ये काल्पनिक एसेट्स हैं, इमेजिनरी हैं, इनको बुक्स में जस्ट रिकॉर्ड करना हमारी एक मजबूरी है। क्यों, उसके बारे में मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। देखिए फिक्टिशियस का मीनिंग क्या है, काल्पनिक। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो उस प्रोग्राम के आगे सबसे पहले जब वो स्टार्ट होता है क्या लिखा होता है, All the characters of this program are fictitious, मतलब इस धारावाहिक के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक है। मतलब क्या था, वो जो आपको कहानी बता रहे वो सिर्फ एक कल्पना की है उन्होंने, एक्चुअल में सच्चाई नहीं है उस प्रोग्राम में, वो सिर्फ काल्पनिक है। उसी तरह से ये जो एसेट्स है इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ना इनकी फिजिकल फॉर्म है, ये सिर्फ हमने एक तरीके से किताबों में नोट की। क्यों नोट की, क्योंकि इसे हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फुल अमाउंट को राइट ऑफ नहीं कर पाए थे, तो हमें एसेट साइड पर दिखाना पड़ गया, इसलिए हमने इनको
किताबों में शो किया, परंतु इनकी वैल्यू नहीं, इनका कोई मूल्य नहीं, इनको सेल नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल समझते हैं स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन एटसेट्रा। हूं आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एग्जाम्पल समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट एक डिफरेंट टर्म है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक डिफरेंट टर्म है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में क्या होता है, जब कोई फर्म हैवी एक्सपेंडिचर कर देती है एडवर्टाइजमेंट का। हैवी एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग है, एक बार में ही काफी लंबे समय तक के लिए एडवर्टाइजमेंट कर देती है, फिर उसके बाद उसको दोबारा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए स्टूडेंट्स, जैसे ए फर्म ने अपने पूरी कंपनी की, फर्म की, अपनी जो उनकी फर्म थी उसके सभी प्रोडक्ट्स की एक बार एडवर्टाइजमेंट कर दी, जिसका खर्चा आ गया 10 लाख। अब उस एक्सपेंडिचर से उनको बेनिफिट मिलेगा 5 ईयर्स तक, मतलब उन्हें 5 साल तक अब दोबारा एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे, 10 लाख रुपए खर्चा किया, नॉन रेकरिंग नेचर का खर्चा था, बार बार नहीं करना पड़ेगा, 5 साल के लिए टिक के बैठ जाएंगे। तो 10 लाख डिवाइड बाय 5, मतलब हर साल वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख रुपया दिखा देंगे कि हमारा एक्सपेंस हो गया। तो अगर पहले साल के एंड में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख शो करेंगे, तो बाकी का जो कितना बचा 8 लाख रुपीज, वो कहां पर जाएंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे। तो वो किस तौर पे गए, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर थे, इसलिए उन्हें एसेट साइड पे शो करना पड़ा, उसे हमने क्या कह दिया, फिक्टिशियस एसेट्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमने फिक्टिशियस एसेट्स क्यों एसेट साइड पे शो की, किस करके हमें शो करना पड़ा। अब चलते हैं लिक्विड एसेट्स। देखिए बेसिक कैटेगरी 3 थी, तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, फिक्स्ड एसेट्स, करंट और फिक्टिशियस। परंतु ये आपकी सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, इसको आपने कैटेगरीज में शो नहीं करना, टाइप्स में आप नहीं शो कर सकते, जस्ट वैसे लिख सकते हैं आप, आपको पता होना चाहिए। लिक्विड एसेट्स, एसेट्स विच आर रेडली कन्वर्टेबल टू कैश, जो एसेट्स बड़ी क्विकली, बड़ी स्पीडली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स। क्विक, क्विकली, बड़े तुरंत, पूरी स्पीड से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बस कुछ ही समय में। तो आप सोच रहे होंगे करंट एसेट भी तो वही थी, नहीं, करंट एसेट डिफरेंट है, क्विक एसेट डिफरेंट है। करंट एसेट में क्या था, करंट एसेट में हम बता रहे थे कि 1 साल के अंतर्गत वो कैश में कन्वर्ट होगी, पर क्विक में क्या है, रेडली वर्ड यूज किया मैंने, रेडली, क्विकली मतलब जल्दी से। एग्जाम्पल देखिए, कैश आपको पता ही, पहले ही कैश है, कैश की फॉर्म में, बैंक कुछ ही सेकंड्स में, डेटर्स कुछ ही डेज में। तो मतलब जो सभी करंट एसेट्स हैं, क्या वो सभी क्विक एसेट्स हो सकती हैं, यह प्रश्न आपके मन में होगा। नहीं स्टूडेंट्स, क्विक एसेट्स करंट एसेट्स का पार्ट है। तो करंट एसेट्स आपने जो याद की हैं, उनमें से सिर्फ 2 करंट एसेट्स ऐसी हैं जो क्विक नहीं है, बाकी सभी क्विक एसेट्स हैं। एक तो स्टॉक, एक प्रीपेड एक्सपेंस, यह दोनों करंट एसेट्स तो हैं, परंतु क्विक एसेट्स नहीं है। तो अगर आप करंट एसेट वाली एग्जांपल्स याद कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि करंट एसेट्स में से अगर आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो क्या होगा, क्विक एसेट्स। तो दोस्तों लास्ट में मैं फिर बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ एसेट्स में बेसिकली हमने 3 कैटेगरीज की थी, परंतु कंपनी एक्ट के मुताबिक अगर शो करेंगे 2 कैटेगरी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट के बारे में आपने पूरी डिटेल पढ़ ली, आप सोच रहे होंगे नॉन करंट एसेट के बारे में नहीं बताया। नॉन करंट एसेट्स में सभी पॉइंट आपने फिक्स्ड एसेट वाला ही शो करना है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट का पार्ट है। तो नॉन करंट में एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, जो मटेरियल मैंने आपको फिक्स्ड एसेट के हेड के अंदर लिखाया वो सब आपने नॉन करंट एसेट में शो कर देना है। जो एसेट करंट नहीं है वो कहां पर आती है, नॉन करंट एसेट में, और वो सब कुछ पॉइंट क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट वाला ही, जिसे हमने क्या बताया था कि हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं और सेल पर्पज के लिए नहीं खरीदते, बल्कि बिजनेस के पर्पज के लिए यूज करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, वो सब नॉन करंट एसेट्स में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का यह लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा।
जब तक आपने अकाउंट्स करनी है तब तक आपको एसेट्स का मीनिंग और एग्जांपल्स आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक जो है हर क्लास में अकाउंट्स के कोर्स में आपके लिए जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।